हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आयुष्मान दाखन, वेलकम टू फ्लाई एकेड। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए। जी हाँ, पावर क्या होती है, जनरली किसी भी चीज़ को करने का कोई जो वर्क डन होता है उसका रेट होता है, तो वही इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी। पावर के वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो पी कॉस्ट हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन में टी। पावर यही होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब कि किस टाइम किस रेट से आप काम कर रहे होते हैं वो आपका पावर होता है। तो हमें अभी ये इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में पावर W, तो आप समझ नहीं पाएंगे भैया वर्क डन क्या होता है। अभी आपको पता है कि हम प्रीवियस लेसन में पढ़ा हुआ है वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। याद हो कुछ आपको कि जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर जाते हैं तो जितना हमें वर्क डन करना पड़ता है हम करते हैं, उसको ही क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से हमें इसको इलेक्ट्रिक पावर को क्या करना है, रिलेट करना है। तो अब देखा जाए तो पावर जो इसका वर्क डन का फॉर्मूला होगा वी इंटू आई इंटू टी होता है। क्या होता है, वी इंटू आई इंटू टी। वी आई, वी फॉर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट और टी फॉर टाइम। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, पी कॉस्ट टू वी इंटू आई इंटू टी अपॉन में टी, टी से टी कैंसिल, तो पी कॉस्ट टू क्या हो जाएगा, वी इंटू आई। सो दिस इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इलेक्ट्रिक पावर कह सकते हैं। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक पावर निकालें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इक्वल्स टू वी इंटू आई। वी क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, और आई क्या है, आपका इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो हम आते हैं यूनिट पे। तो इसका यूनिट क्या होता है, तो भैया इसका यूनिट होता है वॉट। क्या होता है, इसका यूनिट वॉट होता है। अगर हम वैसे निकालना चाहेंगे तो यूनिट उस हिसाब से निकाल सकते हैं, वर्क डन होता है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकंड भी निकाल सकते हैं, बट इसके जो ऑफिशियल यूनिट हम इसको बोलेंगे क्या होती है, वॉट, WAT। तो इसकी जो ऑफिशियल यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट, WAT। तो अब जैसे मान लीजिए, तो पावर का फॉर्मूला क्या दिया है, वी इक्वल्स टू वी इंटू आई दिया है, बट सपोज करो कि हमें और भी जैसे रेसिस्टेंस में निकालना है, तो आपको ओम्स लॉ तो पता ही है। ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर होता है। क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर। तो हम यहाँ से फॉर्मूले कुछ बना सकते हैं, पहला फॉर्मूला तो यही होगा पावर का, दूसरे फॉर्मूले सपोज करो कि वी की जगह मैं आई आर रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, जब आपको रेसिस्टेंस और करंट दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट, अगर मैं सपोज करो यहाँ से आई की वैल्यू हटा देता हूँ, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आर, तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू में V अपॉन R, तो P की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर अपॉन में R। तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं आपके, अगर आपको पावर निकालनी है, पोटेंशियल और करंट दिया है तो ये लगाएं, अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो ये लगाएं, और अगर आपको रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो ये फॉर्मूला लगाएं। तो ये तीन फॉर्मूले होगा जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर निकाल सकते हैं। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो फिर हम पता करेंगे कैसे क्या कोई क्वेश्चन आता है। सो देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वॉट, देन वॉट इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, देन पावर विल बी कंज्यूम। मतलब एक बल्ब है जिसमें 220 वोल्ट का रेट लगा और 100 वोल्ट उसकी पावर जैसे अगर कंज्यूम करता है, तो बोले अगर उसको 110 पे अगर ऑपरेट किया जाता है तो उसकी पावर क्या होगी। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, और हमें क्या गिवन है, आपका पावर गिवन है जो कि 100 वॉट है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे आपको पावर ही फाइंड करना है, बट यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज है। तो आप सीधा सोच रहे होंगे, जैसे देखिएगा, आपको पता है पी कॉस्ट वी इन टू आई होता है। अब आप जानते हैं हमारे पास आई की वैल्यू नहीं है, तो अगर और आई तो चेंज भी हो सकता है मे बी, तो हम क्या कर सकते हैं, पी ये वाला रिलेशन निकालो, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, क्योंकि जो रेसिस्टेंस होता है वो तो दोनों ही सिचुएशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले अगर मैं रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालूं ऊपर से, तो फिर दूसरे में हम रख दें आराम से हम पावर निकाल सकते हैं। तो पी इक्वल्स टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन में आर, तो जाएगा 100, वी स्क्वायर मींस आपका 220 का स्क्वायर अपॉन में आर। तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 220, मतलब 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, अरे 00 अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल, तो R की वैल्यू हो जाएगी 484 ओम। R क्या होता है, 484 ओम। अब आपसे कहा गया, अब बस सिंपल है, अब आप इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे आगे। तो आपसे क्या बोला गया, देखिएगा जरा ध्यान से, पावर आपको दी हुई है कितना, निकालनी है पावर, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका 110 है, तो 110 का स्क्वायर और रेसिस्टेंस की वैल्यू है 484।
सो देन ये कितना हो जाएगा 120, या फिर इसको ऐसे ही लिख देता हूँ दो बार ही, और हो जाएगा 484। तो डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 वन ज़ 11, जीरो का जीरो, और 11 से करेंगे 11 फोर ज़ 44, बचा 4, 11 फोर ज़ 44, वैसे ही 11 वन ज़ 11, जीरो का जीरो, तो 11 फोर ज़ 44, तो आपको हो जाएगा ये 100 अपॉन में 4, तो डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा 25 वॉट। मतलब कि अगर जब आपका जो बल्ब है, अगर उसको 110 वोल्ट पर पोटेंशियल डिफरेंस पर हम ऑपरेट करते हैं, तो पावर कितनी कंज्यूम करेगा, 25 वॉट पावर को वो कंज्यूम करेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है। तो बेसिकली आपको ये तीन फॉर्मूले रहते हैं, इन तीनों फॉर्मूले जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ को आप क्या करते हैं, उसी के हिसाब से आप, जैसे अगर आप पास करंट और रेसिस्टेंस है तो ये लगाएं, पोटेंशियल और करंट है तो ये लगाएं, और अगर पोटेंशियल रेसिस्टेंस ये लगाएं, और अगर नहीं है तो फिर आपको इस तरीके से कोई एक चीज़ निकालनी पड़ेगी पहले, और फिर देन आपको उसमें फॉर्मूला पुट करना पड़ता है। होप यू गाइस आपकी चीज समझ में आ रही होगी। चलो अब आगे बढ़ जाते हो, तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे आपके घरों में जो मीटर लगा रहता है, आप लाइट जो कंज्यूम करते हैं, तो आपके यहाँ एक मीटर लगा रहता है, उसमें जो यूनिट यूज़ होती है, जिस हिसाब से यूनिट वो आप जिस हिसाब से खर्च करते हैं, अपना यूनिट बोलते हैं ना वहाँ पे, कि 100 यूनिट आया, 200 यूनिट आया, 1000 यूनिट आया, तो वो जो यूनिट है वो किस तरीके से क्या होती है, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे होता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, कि जो हम अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस जो हैं उनमें क्या होगा, एक वन आवर में जितना किलो वॉट वो क्या करती है, एनर्जी को कंज्यूम करता है। किलो वॉट एनर्जी मीन्स एक 1000 वॉट होता है। क्या होता है, 1000 वॉट, एक किलो वॉट में आपके होते हैं, एक किलो वॉट इक्वल्स टू होता है आपका 1000 वॉट। तो किलो वॉट एनर्जी का मतलब ये है कि वन आवर में वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम करता है वॉट में, किलो वॉट में, बेसिकली 0.5 कर सकता है, 0.10, जो भी करता है, जिसका उसका रेटिंग होगा आपका इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस का, वैसे ही उसमें कंज्यूम करेगा। मतलब वन आवर में कितनी किलो वॉट एनर्जी को वो कंज्यूम करता है, वो आपका एक यूनिट हो जाएगा। जैसे एक यूनिट कितनी होगी, 1 किलो वॉट आवर, मतलब एक किलो वॉट होने का वो आपकी एक यूनिट कहलाती है, ठीक है। तो अब इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व हमें करना रहता है, तो इसमें कुछ हमें रिलेशन देखना पड़ेगा वॉट में और जूल में। जैसे हम करें तो कुछ रिलेशन बनाएं, तो कैसे क्या होता है तो समझिएगा। आप जानते हैं एक किलो वॉट आर में कितने होते हैं, एक किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट। तो हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा, एक किलो वॉट आर को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिएगा, एक किलो वॉट मतलब 1000 वॉट हो गया, ठीक है ना। अब किलो वॉट आर, आर मीन्स आपका ये हो गया एक घंटा, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 36, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, इतने जूल होंगे इसके अंदर, ठीक है। एक किलो वॉट आर में कितने जूल होते हैं, 36 और 5, 0, ठीक है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेके 3.6 × 10^6 जूल हो जाएगा। तो ये आपका रिलेशन होता है, 1 किलो वॉट आर इक्वल्स टू 3.6 × 10^6 जूल, 1 किलो वॉट आर इक्वल्स टू 3.6 × 10^6 जूल। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। सो देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आर रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स रन फॉर 50 आर, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, तो आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टी, मतलब कि पावर जो है, जितनी उसकी पावर है उसमें टाइम का क्या करेंगे, पर मल्टीप्लाई करेंगे, भाई इतना ही टाइम को करेगा ना, किलोवाट पर आर होता है ना, किलोवाट पावर होती वॉट में होती, टाइम होता है आर में, तो किलोवाट पर आर। तो इसको अपन क्या करते हैं, अपन को पावर चाहिए रहेगी, क्या चाहिए रहेगी, पावर। हाँ, तो अपन को क्या क्या इक्वल्स टू पी इंटू टी लिखा है, तो अपन को पावर कितना दिया हुआ है, 60 वॉट, और टाइम कितना दिया हुआ है, 50 आर। अब आपको फिजिक्स में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है यूनिट का। अब आपको पता है कि जो एनर्जी होती है वो किलोवाट पर आर में होती है, मतलब किलोवाट, तो यहाँ पे तो वॉट गिवन है, तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोवाट में। तो कितने से डिवाइड करूँगा, जी हाँ बिल्कुल, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये किलोवाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किलोवाट। अब आप इसका फॉर्मूला रख सकते हैं, तो पावर 60 अपॉन 1000 इनटू में टाइम 50, आर में ही दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 से 10 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, 0 का 0, और 10 यहाँ भी कैंसिल, तो 6 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, 3, तो 3 किलोवाट पर आर।
मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका तीन यूनिट मतलब ये अपना टोटल कितना, तीन यूनिट ही अपना ले लेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। अगर इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे थ्री में किसने का, 3.6 × 10⁶ का। तो मल्टीप्लाई कर दी, 3 6 18 कैरी आया 1, 3 3 9 और 10, तो 10.8 × 10⁶ जूल हो जाएगा ये। अगर आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 3.6 × 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, अभी बताया था, क्योंकि 1 kWh इक्वल टू कितना होता है, 3.6 × 10⁶ होता है। ठीक है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आपसे कहा जाए कि भाई इतना यूनिट बिल आया तो कितना पैसा लगेगा, ऐसा होता है ना, तो वही क्वेश्चन है इसमें है कि अ रेफ्रिजरेटर हैविंग द पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट फॉर 10 आवर अ डे, मतलब एक दिन में अगर आप 10 घंटे चलाएंगे तो उसमें 350 वॉट कुछ पावर कंज्यूम करेगा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30। आप कैलकुलेट करना है कि भैया 30 दिन का जो महीना है उसमें कितना पैसा लगे, कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा और कितना पैसा लगेगा। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 3.4 पर किलोवाट आवर, मैंने आपको पहले बताया 1 kWh इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप तो ये बताएं, E इक्वल टू क्या होता है, P इंटू T। पावर कितना दिया हुआ है हमारे पास, 350 वॉट, तो आपको पहले ही बता चुका हूँ 350 वॉट दिया, तो इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, किलो वाट में, मतलब 1000 से डिवाइड कर दीजिए, किलो वाट हो गया। टाइम 10 आवर दिया हुआ है, अब मेरे को 30 डेज चलाना, उसको कितने दिन चलाना है, 30, तो 30 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, 300 आवर हो जाएगा। हाँ, तो हम वैल्यू रखेंगे, दी कॉस्ट क्या हो जाएगा, 350 upon 1000 × 300, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, दी कॉस्ट कितना हो जाएगा, 15 × 3, 3 5 15 कैरी, मतलब 105। तो आपका कितना यूनिट इसने लिया है, आपका 105 यूनिट कंज्यूम किया है इसने एक महीने में अपने के फ्रिज ने, तो कितना पैसा लगेगा, उसने बोला कि एक यूनिट का 3.14 है, मतलब 3.40 है, मतलब 3.40 रुपये लग रहा है, तो 105 यूनिट का कितना होगा, 105 × 304, तो आप मल्टीप्लाई कर देना, 357 रुपीज़ आ जाएगा, मतलब 357 रुपये ले लिए आपके फ्रिज ने एक महीने में। ठीक है, नोट कर लीजिए।